चलिए आज बनाते हैं हम चावल की खीर। तो हमने चावल धुल लिए हैं, इन्हें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और खीर में डालने के लिए हमने कुछ इस प्रकार से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये है चिरौंजी, इसमें बादाम, गरी, काजू और ये किशमिश और ये मखाने, ये सब ऑप्शनल है। आपको ऐसे ही बनाने हो तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने ये लिया है घी, 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया। इसको अब हम मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें हम ये ड्राई फ्रूट डाल दें। इसमें सभी नहीं डालेंगे ना चिरौंजी, इनको 2 मिनट के बाद, इनको बस हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं, इनका कच्चापन निकालना है। घी की चिरौंजी खुशबू आती है खीर में, वो बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम डाल देंगे इसमें मखाने, आपको जो भी पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, जो ना पसंद हो उन्हें आप इससे भी कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार ही इसमें डाल सकते हैं। तो लीजिए मखाने भी हमारे हो गए हैं। अब इसमें हमें किशमिश और चिरौंजी भी डाल देंगे, इनको भी हम इसी में घी में सेक लेते हैं। ये हमारे ड्राई फ्रूट सब बढ़िया से सेक चुके हैं और इनमें खुशबू भी अच्छी आने लगे, तो अब इनको हम निकाल तैयार हो गए हैं। देखिए अब इसमें घी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसी में हम ये चावल डाल देंगे और इनको भी हम सिर्फ 2 मिनट के लिए घी में ही इनको ऐसे सेक लेंगे। चावल हमारे अच्छे से हो चुके हैं घी में और खुशबू भी आ रही है और ये चटकने लगे हैं, चावल तैयार हो गए हैं। इनमें पूरे चावलों में घी हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये दूध, दूध डाल दिया है। अब दूध में हम ये उबाल लेते हैं, उबाल भी आ गया है और इसमें कम अभी इसलिए डाला कि नहीं तो ये जब ये बिसल आएगी तो बाहर आ सकता है, तो इसलिए हमने कम डाला और इसको हम बंद कर दिया। इसमें 3 से 4 हम बिसल लेंगे, वो ये शांत हो जाएगा, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको फिर से दिखाऊंगा। इसकी बिसल निकल चुकी है, देख बन के तैयार हो गए हैं। दूध थोड़ा कम था तो इसमें लिए, अब इसमें और दूध डाल देंगे। अब इसको हम खुले में इसी तरह से पकाएं, कम इसलिए डाला था कि बाहर ना आए, जब इसे लाती है तो दूध ज़्यादा हो जाएगा तो वो बाहर आ जाती है और कुकर हमारा गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने दूध कम डाला था। अब इसे हम इसी तरह से पका लें और इसमें हम डालते हैं केसर। देखिए पहले से डालने से क्या होता है, केसर का कलर अच्छा सा आ जाता है, और केसर ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डालें, नहीं तो खीर वैसे भी आपकी अच्छी बनेगी। तो इसी तरह हम इसे आप धीमे आंच में पका लेंगे। देखिए आपको हम दिखाते हैं ये खीर हमें धीमे आंच में पकानी है। तो देखिए अब इसमें 5-7 मिनट और लगेंगे और ये तैयार हो जाएगी। इसमें अब हम डाल देंगे इलायची, इलायची को तुरंत ही कूटना चाहिए, नहीं तो पहले से पिसी हुई होती है तो इसकी खुशबू चली जाती है। और लीजिए ये ड्राई फ्रूट्स, इसको भी हम डाल देंगे। आप इसमें कम या ज़्यादा जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब इसको हम धीमी आँच में और 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह बना लेंगे। देखिए इसमें हमें चीनी डालनी है, अभी तक नहीं डाली थी, वैसे ही इतनी चीनी इसमें परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यदि आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप 2 चम्मच इसमें चीनी और बढ़ा सकते हैं, और कम पसंद करते हो तो आप
दो चम्मच कम कर सकते हैं। तो लीजिए अब इसमें 2 मिनट के लिए अब चीनी को हम घोल देते हैं। खीर हमारी बन के तैयार हो गई और ये घुलेगी तो देखिए ये खीर अभी पतली होगी, तो इसे और थोड़ा हमें गाढ़ा करना है। खीर हमारी तैयार हो गई मीठी बढ़िया। कोई भी हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है तो उसमें खीर ज़रूरी होती है, बिना खीर के तो थाली पूरी ही नहीं होती है। लीजिए बढ़िया खुशबू जो हमने घी डाला उससे सौंधी सौंधी खुशबू घी में आने लग सॉरी उसमें खीर में आने लगती है। आज हम चावल ड्राई फ्रूट्स की खीर तैयार करते हैं। लीजिए प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर आप ज़रूर करें, कमेंट करें। आप मेरे चैनल पर नए आए हों सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें।